हेलो चिल्ड्रन टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दिस इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर ओके इस चैप्टर में हमें uh, आज हम ये सीखेंगे कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एज अ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दिस इज आल्सो नोन एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्लियर है तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो कान्ली सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोज क्लियर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट

ओवरऑल जीरो वेक्टर होना चाहिए क्लियर है चलिए इसको हम प्रूव करते हैं हाउ वी कैन प्रूव इट आप सबसे पहले क्या करिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को आप के फॉर्म में लिखिए आई कैप जे कैप एंड के कैप क्लियर पहले ए है तो ए की वैल्यू लिखिए टू माइनस थ्री एंड माइनस वन ऐसे आप लिखेंगे माइनस सिक्स नाइन एंड थ्री मैंने बताया था हाउ वी कैन मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई का तरीका क्या है सबसे पहले आप लिखेंगे आई ओके okay. उसके बाद जे और के वाले टर्म को लिखेंगे माइनस थ्री माइनस वन नाइन एंड टू देन माइनस जे लिखेंगे जे कैन है आई और के लिखेंगे माइनस सिक्स एंड थ्री फिर किसको लिखेंगे प्लस के कैप किसको लिखेंगे आई और जे को लिखेंगे ना टू माइनस थ्री माइनस सिक्स एंड नाइन क्लियर है आप सबसे पहले इस तरह से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे इस कंडीशन में क्लियर है अब क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान सुनिएगा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फर्स्ट ऑफ ऑल टू मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी क्लियर है तो लिखेंगे क्या मल्टीप्लाई टू इंटू थ्री सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स एंड माइनस वन तो माइनस सिक्स माइनस वन माइनस लगाएंगे माइनस सिक्स इंटू माइनस वन क्या होगा प्लस ओके प्लस माइनस जे है ना माइनस जे अब क्या करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई किस हमने अपोजिट कर दिया दिस वॉज जे ओके दिस वॉज जे ये जे का ही था क्लियर है आई को हमने छोड़ दिया तो आप अगले आई कर लीजिए थ्री इंटू टू माइनस का सिक्स ओके सिक्स थ्री टू जै सिक्स माइनस का सिक्स हो गया आई थिंक वी हैव टू फाइट ठीक रॉन्ग थिंग्स, ओके ध्यान सुनिएगा दिस ओके फिर लिखिए आप लोग प्लीज़ हाँ ये स्टेटमेंट हमने गलत दिया, कम टू द नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट पेज पाते हैं वहाँ डिटेल समझते हैं ठीक है <coughs> वहां डिटेल में समझेंगे इसको तो स्टार्ट करते हैं अगेन यू हैव टू राइट ए क्रॉस बी तो हाउ कूड यू राइट ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बी रिटन एज एज लाइक आई कैप जे कैप एंड के कैप एंड आई इज इक्वल टू ओके वेक्टर ए पहले लिखेंगे वेक्टर क्या है टू माइनस थ्री माइनस वन तो सबसे पहले लिखेंगे टू माइनस थ्री

माइनस सिक्स थ्री क्लियर है प्लस के और के है तो मतलब आई और जे की वैल्यू को लिखेंगे यू हैव टू राइट टू माइनस थ्री माइनस सिक्स नाइन सिक्वेंस नहीं चेंज करना आपको, है आपको क्लियर है नाउ आई कैप यू कैन राइट हियर पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन एंड नाइन इंटू माइनस तो माइनस माइनस ऑफ नाइन यस यू नो ओके दिस इज योर प्लस माइनस जे लिखेंगे यहाँ पे जे कैप अगेन यू कैन राइट टू एंड थ्री मल्टीप्लाई पहले कहेंगे टू थ्री जा सिक्स माइनस सिक्स इंटू वन तो प्लस सिक्स आ जाएगा ये क्लियर है माइनस मल्टीप्लाई है तो प्लस के कैप यहाँ क्या कहेंगे नाइन टू जा जाटीन माइनस सिक्स थ्री तो वॉट यू थिंक दिस इज आई इंटू जीरो प्लस माइनस जे इंटू जीरो

एरिया क्या है एक है। ध्यान रखना, आपको ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको area is a vector quantity. इसको ध्यान रखना, अब करना है। हमें कैसे? ठीक वैसे लिखेंगे जैसे हमने प्रीवियसली लिखा था ए uh, में क्या है आई आई की वैल्यू थ्री है और जे वैल्यू कितना है फोर के वैल्यू जीरो माइनस थ्री सेवन एंड जीरो आई समझ में अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग क्लियर है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आई कैप आई कैप है तो किसको लिखेंगे फोर जीरो सेवन जीरो लिखेंगे माइनस जे कैप इसलिए क्या लिखेंगे थ्री जीरो माइनस थ्री जीरो क्लियर है मतलब जिसकी वैल्यू हो उसको आप छोड़ देंगे उसकी वैल्यू को छोड़ देंगे जे है तो जे की वैल्यू को छोड़ देंगे आई और के लिखेंगे प्लस के इसमें के, के लिए क्या लिखेंगे के के लिए को आप लेफ्ट करिए। करिएट थ्री फोर माइनस थ्री सेवन आई समझ में तो आई ये जीरो हो गया, टोटल माइनस जे कैप भी क्या हो गया जीरो हो गया. लेकिन प्लस के कैप क्या हो गया सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन माइनस माइनस ऑफ ट्वेल्व ओके तो ये कितना आ जाएगा आपका दिस इज योर थर्टी uh, थ्री तो एरिया है लेकिन एरिया का जो डायरेक्शन है वो के डायरेक्शन में थर्टी थ्री के कैप आ गया इसका मतलब इसका क्या होगा मैगनीट्यूड थर्टी थ्री होगा और के उसका क्या होगा डायरेक्शन होगा क्लियर है तो मैग्नीट्यूड अगर तुमसे पूछता है तो व्हाट इज मैगनीटूडी थ्री स्क्वायर यूनिट अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर है एंड डायरेक्शन इज योर के कैप तो एरिया क्या गया एरिया इज इक्वल टू थर्टी थ्री अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे एज पर योर चॉइस क्लियर है थर्ड क्वेश्चन पाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे इफ विक्टर ए एंड बी डिनोटेड द साइड्स ऑफ अ पैरोलोग्राम एंड द एरिया इज ए बी बाई टू फाइंड द एंगल बिटवीन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी एरिया एरिया का मैग्नीट्यूड दिया है ठीक तो तो है yes no? तो हाउ वी कैन कैलकुलेट एरिया इज ए बाई टू तो मैग्नीट्यूड की है आपको जैसे नो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड कितना है ए बी बाय टू क्लियर है और आपको याद होगा इसके पिछले वीडियो में बताया था कि ए बी का जो मैग्नीट्यूड होता है लिखते हैं ए बी साइन थीटा लिखते हैं हम लोग क्लियर है तो आप क्या हो गया ए बी वल टू ए बी अपॉन टू ए बी ने भी कैंसिल आउट सो यू कैन राइट साइन थी साइन थर्टी डिग्री थी क्या क्या थर्टी डिग्री दिस इज योर आंसर क्लियर है तो एंगल इज थर्टी डिग्री आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अगर समझ में ना आए डाउट हो तो यू कैन सेंड मी मैसेज डेफिनेटली आई विल रिप्लाई क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन यूनिट वेक्टर प्रेपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड तो दो वेक्टर प्रपेंडिकुलर है क्लियर है तो यूनिटर so, मतलब क्या हुआस बी इज इक्वल टू ए बी साइन नाइनटी इन टू एन कैपेनो अब आपको मालूम है साइन नाइनटी होता है वन तो एन कैप इज इक्वल टू क्या हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आई बात समझ में आई बात समझ में तो पहले आप क्या करिए वेक्टर ए क्रॉस बी निकालिए फिर उसका मॉड ले लीजिए तो स्टार्ट करते हैं ध्यान सुनिएगा वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे लिसन हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्लियर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई आई कैप जे कैप के कैप ओके और आई जे के अगर आपने लिख दिया तो ए की वैल्यू है टू वन वन यू हैव टू राइट टू वन वन और बी की वैल्यू कितना गिवेन है बी इज गिवन वन माइनस वन टू वन माइनस वन टू दिस इज योर बी सो कैलकुलेट फर्स्ट यू हैव टू राइट आई जब आई लिखेंगे तो जे और के को पहले लिखेंगे वन वन माइनस वन टू क्लियर है माइनस जे लिखेंगे जे कैप जे लिखेंगे तो आई और के को लिखेंगे टू वन वन टू प्लस के कैप के कैप भी क्या लिखेंगे टू वन वन माइनस वन क्लियर सिंप्लीफाई करिए इसको आई कैप टू वन जा टू माइनस माइनस ऑफ वन यस ये नो मल्टीप्लाई माइनस वन आएगा ना माइनस जे कैप टू टू जा फोर माइनस टू प्लस के कैप टू वन जा वन माइनस टू माइनस वन सॉल्व इट दिस इज योर आई इंटू थ्री माइनस जे इंटू टू माइनस थ्री के यस ये नो दिस इज योर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्लियर है इसका मॉड क्या होगा मॉड ए क्रॉस वेक्टर बी इसका मॉड क्या होगा इन प्लस फोर प्लस नाइन भाई तीनों को स्क्वायर कर दिया ना आपने ऐसे नो भाई थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन एटीन एटीन प्लस फोर देर इज अ रूट ट्वेंटी टू आई बात समझ में तो आपका दोनों आ गया अब आपको निकालना क्या है यू हैव टू कैलकुलेट एन कैप ना तो एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इन मॉड ऑफ वेक्टर बी ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई थ्री आई माइनस टू जे माइनस थ्री के डिवाइडी टू दिसर है अब रूट ट्वेंटी टू को आप जैसे लिखना चाहें यू कैन राइट ट्वेंटी टू आएगा ट्वेंटी वन आएगा नो वन प्लस रूट ऑफ फोर ओके और ट्वेंटी टू ही आ रहा है Just a second. Huh? Answer is

ए और बी के क्या है प्रपेंडिकुलर तो प्रपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ फिर वही कहानी आ गई ठीक है डायरेक्शन क्या है एन कैप के डायरेक्शन में है कैप तो निकालोगे वेक्टर A, वेक्टर क्रॉस और इसका से डिवाइड कर दो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड से डिवाइड कर दोगे आई बात समझ में इसे एन कैप आ जाएगा तो जो वेक्टर आपको एक्स निकालना है वेक्टर एक्स सपोज करो कैलकुलेट करना है तो कह रहा है फाइंड द वेक्टर एक्स कैप हुज लेंथ इज सेवन तो मैग्नीट्यूड टूट सेवन हो गए सेवन इंटू एन कैप कर दोगे तो आपको आ जाएगा आंसर आ जाएगा ये आपको करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट एन कैप तो एन कैप कैसे निकालोगे पहले फाइंड आउट कैलकुलेट करिए किसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को आप कैलकुलेट करिए क्लियर है तो कैसे कैलकुलेट करोगे दिस इज योर आई जे एंड के आई जे के क्लियर आई में लिखेंगे टू माइनस थ्री सिक्स वन वन माइनस वन अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूं ध्यान सुनिएगा यहां आई लिखेंगे आई कैप थ्री वन मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का करी आ जाएगा सिक्स और वन मल्टीप्लाई करोगे माइनस का यहां सिक्स आ जाएगा माइनस जे जे लिखा है आपने तो अब किसी लिखेंगे आई और के मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू आएगा और यहां माइनस का सिक्स आएगा प्लस के के लिखा आपने तो के लिए आप क्या करेंगे टू एंड वन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस थ्री कर देंगे दिस इज अ वे क्लियर है ये कितना हो गया आपका माइनस का थ्री आई कैप एंड दिस इज योर प्लस का एट जे कैप एंड इज अ प्लस का फाइव के कैप दिस इज योर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्लियर है दूसरा पार्ट हमें क्या निकालना है अगला मोड निकालना है वी हैव टू कैलकुलेट मॉड तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा दिस इज योर अंडर रूट ऑफ ठीक है थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर प्लस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सुनो कैलकुलेट इट सॉल्व इट एंड द आंसर कितना इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट फाइव प्लस फोर नाइन 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 एटीन नाइन और प्लस नाइन एटीन एट कैरी वन सिक्स प्लस टू ए नाइन्टी एट आ गया इसकी वैल्यू क्लियर है नाइन्टी एट दिस इज वैल्यू ऑफ नाइन्टी एट रूट नाइन्टी एट है यहां तक कोई डाउट है किसी को 98 का मतलब हुआ सेवन रूट टू लिख सकते हो सेवन रूट टू ठीक है सेवन रूट टू आगे वैल्यू अब निकालना क्या है एक्स निकालना है ना तो एक्स की वैल्यू क्या होगी एज यू नो कैलकुलेट द एन कैप तो एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसमें सेवन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा वेक्टर एक्स जो आपको कैलकुलेट करना है वो आ जाएगा क्लियर है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आपने निकाला है क्रॉस बी इज माइनस थ्री आई प्लस एट जे प्लस फाइव के ठीक है माइनस थ्री आई प्लस एट जे प्लस फाइव के कैप कैप एवरी वेर यू है